जैन साथियों, मैं अजय सिंह आपको अपने चैनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई यूपी पुलिस का लगभग 60% एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, ठीक है, और अब सिर्फ दो ही शिफ्टें बची हैं जिनका एग्ज़ाम 30 को है, 31 अगस्त को है। तो भाई मैंने पूरा एनालिसिस किया, ठीक है, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम था 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरा देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये पेपर भी है, ठीक है। मैंने अपना पेपर पूरा एनालिसिस किया और भी जो शिफ्टें आ रही थी मैंने उनका भी एनालिसिस देखा था। 25 तारीख का भी मैंने एनालिसिस देखा भाई। उसमें से मुझे 2 से 3 टॉपिक ऐसे लगे हैं जिसमें से भाई हर एक, क्या कहते हैं, हर एक शिफ्टों में भाई क्वेश्चन दबा के पूछ रहा है, समझ रहे हो। और वो टॉपिक ऐसे नहीं है भाई बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक हैं। आप ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको भाई पढ़ के आप अपनी जो आने वाली शिफ्ट हैं 30-31 अगस्त को भाई उसमें एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। और सबसे मेन टॉपिक भाई देखो, मैं सब कुछ तो आपको नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ जो जो मैं आपको बता सकता हूँ वो जरूर बताऊँगा, क्योंकि जो आप अभी कवर कर सकते हो, जैसे जीएस में भाई क्या पूछ रहा है। जीएस में मैं मेरे ये जो एग्ज़ाम पेपर है मेरा 24 वाला, उसमें जीएसटी से भाई दो क्वेश्चन ऐसे आसान क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, ठीक है, जो मेरे से नहीं हो पाया। दो क्वेश्चन आसान थे, मतलब 3 क्वेश्चन मेरे इसमें जीएसटी से ही पूछे गए थे, जीएसटी से 3 क्वेश्चन मेरे में पहले थे। और सुनो, जब मैंने पहली शिफ्ट देखी थी, क्या कहते हैं उसका, पहली शिफ्ट 23 की पहली थी, उसमें भी मुझे क्या कहते हैं 3 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट हुई उसमें 2 क्वेश्चन मुझे जीएसटी दिखे, हाँ दो क्वेश्चन उसमें देखिए, और मेरी वाली सीट में 3 आ गया था। और मेरी जो सेकंड 24 की सेकंड हुई थी उसमें भी 2 क्वेश्चन आया था। और कल की भाई जो 25 की हुई थी एग्ज़ाम, उसमें भी दोनों सीटों में दो क्वेश्चन आए हैं। तो 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और 4, 14 क्वेश्चन अभी तक जीएसटी से आ चुका है, ठीक है। और दिवस से भाई हर एक सेट में दो क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे में आया था विश्व निरस्त्रीकरण करके कुछ दिवस करके आया था, एक विश्व कला दिवस, मेरे से नहीं हुआ यार, क्योंकि मैं नहीं पढ़ के गया था, ठीक है। आप के पास अभी भी समय है, ठीक है। अगर आप बोलोगे भाई, अगर आप लोग कमेंट करोगे, मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मतलब कुमार गुरु सर की वीडियो की लिंक है, मैं उसको लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, नहीं आप खुद ही जाके सर्च कर लो, ठीक है। उन्होंने भाई उसमें क्या कहते हैं जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक बताया कि दिवस वाले पूरा बताया, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ लो भाई, उसमें से ही फंस रहा है। और दो क्वेश्चन ये हो गए, तो सोचो 6 शिफ्ट में 6 × 2 = 12 क्वेश्चन ही हो गए, 12 क्वेश्चन ये हो गए, 14 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बताया, 12, 14, 26 क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ 2 टॉपिक से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, हाँ भाई सबसे मेन इतना आसान टॉपिक भाई राजधानी, 2 क्वेश्चन मेरे में आया था, एक आई थी जर्मनी की राजधानी और एक आई थी नेपाल की राजधानी, ठीक है, नहीं सॉरी बांग्लादेश की राजधानी। तो भाई 2 क्वेश्चन राजधानी से भी आ चुके हैं, 2-2 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछा भाई, श्योर है यार 12 क्वेश्चन ही हो गए, 12, 12, 24 और 14 वो 38 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और भी सुनो, बता रहा हूँ यार, बस देखते रहो बस। और हाँ, योजना प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई है, इसके लिए योजना स्टैंडअप योजना, डिजिटल योजना, स्टार्ट इंडिया योजना, इसका भाई आप लोग याद कर लो कि भाई इसका उद्देश्य क्या था और किस लिए चलाई गई थी। मेरे में 2 क्वेश्चन आया था, सुनो कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। एक आया था भाई प्रधानमंत्री मानधन योगी मानधन योजना किस लिए चलाई गई थी, इसमें इसको उल्टा पूछा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी, कौन सी है। तो भाई मैंने जीवन ज्योति बीमा योजना मार दी, गलत हो गया, इसमें श्रम योगी मानधन योजना होगा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना। उसके बाद 2 क्वेश्चन ये आ रहा, दो इसका भी 12 क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, आपके 50 क्वेश्चन हो गए ना भाई, 38, 12, 50। और भी बता रहा हूँ मैं, हाँ, और जितने भी संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और WHO, इनका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये वर्क कर रही है, किस लिए ये काम कर रही हैं, इसको भी आप लोग देख के जाओ। और हाँ सुनो, मेरे में क्या आया था, एक ITEC जो कार्यक्रम आर्थिक सहयोग भारत द्वारा चलाया गया था, उसका उद्देश्य पूछा था। और एक पूछा था कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका क्या उद्देश्य है। और एक आया भाई WTO की महानिर्देशक, आप जितने भी भाई संस्थाएं हैं उनके भाई महानिर्देशक पढ़ लो, ठीक है। मैंने आपको भाई कम से कम 50-55 क्वेश्चन बता दिए जो अभी तक आए हैं, ठीक है। और हर एक शिफ्ट में भाई ये सब सारे टॉपिक मिला के मेरे 2 राजधानी, 2 दिवस और 3 GST, 2-2, 4-3, 7 और 2 योजनाएं, 7-2, 9 और क्या कहते हैं 7-2, 9 और भाई 2 मतलब वो WTO और WHO वर्ल्ड बैंक वाले से 2-9, 11 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। और
और हाँ भैया, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण से पढ़ लो भाई। मेरे में क्वेश्चन आया था कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, भारतीय रिजर्व बैंक। और उससे पहले भाई, जब मेरी शिफ्ट से पहले क्या क्वेश्चन आया था कि 500 जो 1000 के नोट बंद हुए हैं वो कितने परसेंट भाई वापस हो चुके हैं, तो उसमें ऑप्शन था शायद 98.36% था, वही ऑप्शन सही था। तो भाई मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन शायद आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। वो ये हो सकता है कि जो 2000 के नोट बंद हुए हैं वो कितने परसेंट भाई बंद मतलब लौटा दिए गए। तो वो है लगभग, आंकड़ा है उसका लगभग 97.69%, मतलब 97.69% इतने परसेंट वापस ले लिए गए नोट। ठीक है, मतलब इतने परसेंट जब नोटों को वापस किया गया तो इतने परसेंट नोट उनके पास अभी तक पहुंचे हैं। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, जरूर बनेगा, मेरी बात मानिए भाई, इसको भाई जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भाई आने के मतलब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो भाई मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है भाई जो मैंने बताया है। ठीक है, और थोड़ा सा जो जो भी साम्राज्य थे उनकी संस्थापना कौन की थी, संस्थापना कब हुई थी, कौन से बने, जैसे कि चंदेल वंश के शासक कौन थे भाई, हरिया कौन से शासक कौन थे, मेरे में आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आ सकता है। और यही सारे हैं भाई। हाँ, कंप्यूटर से क्वेश्चन, भाई दो क्वेश्चन आए हैं मेरे में, दो आए हैं भाई, मेरा एक गलत हो गया एक नहीं आया। ठीक है, तो सॉरी, एक आया था एक गलत हो गया है। ठीक है, साइबर अपराध, अपराध ये पढ़ लो भैया। और वायरस वायरस भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं ऐसे कि कौन कौन सा वायरस क्या नाम है, उल्टा सीधा ऐसे पूछ रहे हैं यार। और नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन आया है। तो ये सारी चीज़ें भाई जो मैंने बता दिया आपको, पूरा सार जिस्ट बता दिया, जो कि अभी तक 6 शिफ्टें हुई हैं उनका पूरा सार बताया है। और भाई सुनो, वहाँ पे तुक्का मारने के चक्कर मत पड़ना, ठीक है, जितना है उतना ही करना, ठीक है, परेशान मत होना। और ये सारे टॉपिक अभी अगर आपके पास टाइम है, 3-4 दिन का समय भाई उसमें पढ़ लो। ठीक है, 30-31 वाली शिफ्टों में भाई अच्छे स्कोर कर लोगे, वरना भाई परेशान हो जाओगे। ठीक है, फालतू चक्करों में ना पढ़ो, ऑनलाइन के चक्कर में जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक पढ़ लो भाई। आपका अगर जीएस में भाई अगर अभी 15 क्वेश्चन भी सही हो रहे होंगे ना, तो भाई आपको वहाँ पे कम से कम 20-22 सही हो जाएगा, मैं इतना बता रहा हूँ। गारंटी नहीं दूंगा मैं 30+ सही करा दूंगा, नहीं भाई उतना नहीं करा पाऊंगा मैं, लेकिन 5-6-7 क्वेश्चन आपके बूस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, आपका वही फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही भाई, जय हिंद, जय भारत।